सो हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू टू क्वालिफाई द IDPS असिस्टेंट रिटन एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ योर डे एंड यू शुड सेलिब्रेट दिस। अ बिग थम्स अप टू ऑल ऑफ यू। एंड टुडे आई एम हेयर टू टेल यू दैट हाउ आई स्कोर 74/100 इन माई इंटरव्यू आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ IDBI असिस्टेंट मैनेजर। सो आके करते हैं इस वीडियो में हम बातचीत, और उसमें मैं अपने सारे क्वेश्चंस लिखूंगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि आई वाज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड मुझे 20-25 क्वेश्चंस का रैपिड राउंड हुआ। पूरे काउंटर क्वेश्चंस किए गए। तो जब मैं अपने पैनल से बाहर निकली रूम से, तो आई वाज श्योर इनफ दैट आई विल बी क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन। सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू एंड चलते हैं आगे। थैंक यू सो मच। तो आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाली हूँ हाई आउ एबल टू गेट 74/100 इन इंटरव्यू ऑफ IDBI असिस्टेंट मैनेजर। सो फॉर्चुनेटली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की थी, सो मुझसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा किए गए। अराउंड 20-25 क्वेश्चंस हुए, और मेरा इंटरव्यू हुआ था होटल लिनेज में, जो कि लखनऊ गोमती नगर में था, और यहाँ पे IBPS PO का भी मेरा इंटरव्यू हुआ था। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे याद थे। एक्चुअली क्वेश्चंस इसमें काउंटर क्वेश्चंस ज़्यादा किए गए थे। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चंस क्या क्या मुझसे पूछे गए थे, फिर मैं ड्रेस कोड पे आती हूँ एंड फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे क्या हुआ। तो क्वेश्चंस मेरे पहले पूछे गए थे कि एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड था CA IPCC का, मीन्स मैंने रिटन इंटर क्वालिफाई किया हुआ है CA का। तो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए कि बताओ बैलेंस शीट क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल रेशो जो आपके क्विक रेशो है, करंट रेशो है, फिर डेप रेशो पूछा गया, कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा गया, कैपिटल पूछा गया, लायबिलिटी असेट्स, ये तो चलो बेसिक है, बट इसके बाद भी फिर ये पूछा गया कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बुक आती है। सो ये मेरे घर में आती थी बिकॉज मेरे फादर उन्होंने शेयर्स परचेज किए हुए थे, तो उनको जो इंफॉर्मेशन होती है पब्लिक की डोमेन में, वो इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड की जाती थी एज अ इन द फॉर्म ऑफ बुक। आप लोगों के घर में भी आती होगी। तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि उस बुक में क्या क्या होता है, मतलब मेन चीज़ें उस बुक में क्या हैं। सो ये आंसर्स मैं इसलिए दे पाई क्योंकि जब घर पर आती थी वो बुक, तो आई यूज़ टू सी दूस बुक्स की इसमें लिखा क्या है। तो वो पूछ रहे थे कि उसमें कौन से डायरेक्टर की फ़ोटो होती है, और फिर मुझसे ये क्वेश्चन था, फिर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज़ में क्या डिफरेंस है, मतलब कितने मेंबर्स होते हैं, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये सब पूछा। और फिर 1956 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस हुए कंपनी एक्ट 2013 के। सो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स बैकग्राउंड का स्पेसिफिकली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बैंकिंग इज़ ऑल अबाउट कॉमर्स, तो वो आपसे डेप्थ क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरी चीज़, ये चीज़ें तो हो गई। उसके बाद में मतलब ऑल मेरे से कुछ भी बैंकिंग अवेयरनेस का नहीं पूछा गया, एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू कॉमर्स ओनली। सो यही चीज़ है। दूसरी चीज़ कि मैंने पहना क्या था। सो आई वोर अ फॉर्मल सूट, तो बॉयज़ तो पैंट शर्ट ही अलाउड होती है, तो वही पहन के जाएंगे। एंड कोट उनके ऊपर है कि वो करना चाहते हैं कैरी या नहीं करना चाहते। गर्ल्स के लिए दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो फॉर्मल सूट कैरी कर लें, और आइदर दे कैन गो विथ कुर्ती, और जो नॉर्मल सूट होता है वो कैरी कर सकते हैं। सो यही चीज़ें हैं। छोटी छोटी एक दो बातें और थी कि जब मैंने जैसे एंट्री ली थी, जब मैंने अपने इसमें, तो कुछ ऐसा टाइम हो रहा था 12:05 का, तो जब आप एंट्री लें तो मैंने जब देखा वहाँ पर, तो आई विश देम गुड आफ्टरनून सर। तो जो मैम थी वहाँ पे, उन्होंने बोला कि अरे अभी तो गुड मॉर्निंग हुई है, फिर उन्होंने टाइम देखा तो शी सेड ओ नो सॉरी इट्स 12:10 समथिंग। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए कि अगर आप 12 बजे एंट्री ले रहे हैं के बाद ले रहे हैं, तो इट शुड बी गुड आफ्टरनून, क्योंकि वो लोग ये सारी चीज़ें नोट करते हैं। एंड इन इसके अलावा मेरे पैनल में तीन लोग थे, मेरा पैनल वन में हुआ था, एंड तीन लोग थे जिसमें से एक साउथ इंडियन, दो साउथ इंडियन थे और एक मुझे नॉर्थ की लगी थी। एंड
बायलैंग्वल होता है, इसमें कोई इशू नहीं है. अगर आपको कुछ जवाब हिंदी में देना है तो यू कैन ईजली आंसर दैट क्वेश्चन इन हिंदी, वो कोई इशू नहीं होता. बस आपके वो कॉन्फिडेंस देखते हैं, एंड जस्ट वेयर योर कॉन्फिडेंस एंड डू वेल. और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है मुझसे पूछने के लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. और मैं चैनल का जो लिंक है टेलीग्राम का, अपनी आईडी का जो लिंक है वो मैं नीचे पिन कर दूंगी. दूसरी चीज़ कि अगर कोई भी इसके अलावा क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं. और बस यही है. और बाकी मैं एक सेशन बनाऊंगी जिस पर मैं ये लिखूंगी कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कैरी इन IDBI असिस्टेंट मैनेजर इंटरव्यू. सो बाकी तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉमन ही रहते हैं सारे इंटरव्यूज़ के लिए. दूसरी चीज़, एक तीसरी चीज़ ये भी है कि जिन लोगों के मार्क्स कम आए हैं, लाइक उनके 5-6 नंबर ही रिटर्न में ज़्यादा है मान लो, तो दे से कि अरे हमारा तो क्या ही चांस है, नहीं ऐसा नहीं है. क्योंकि यहाँ पे 33% का आपका इंटरव्यू होता है और 66% का आपके रिटर्न के मार्क्स हैं. सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. तो अगर आपके रिटर्न में भी मार्क्स कम आए हैं तो आप बैलेंस कर सकते हो इंटरव्यू में, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं. इवन 1, 2, 3 कितने भी नंबर आपके ज़्यादा हैं, कि अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा कर लिया तो आपको आसानी से आप निकल जाओगे. और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. एंड थैंक यू सो मच.